జమ్మూ కాశ్మీర్ శ్రీనగర్లో జరిగిన యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు ప్రధాని మోదీ. షేర్ ఐ కాశ్మీర్ అంతర్జాతీయ కాన్ఫరెన్స్ సెంటర్లో యోగా చేశారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలకు 10 ఏళ్లు పూర్తి అయ్యాయన్నారు. యోగాకు చేసిన సేవలకు గాను 101 ఏళ్ల ఫ్రాన్స్ టీచర్కు పద్మశ్రీ అవార్డు దక్కిందన్నారు. దేశ విదేశాల్లోని యూనివర్సిటీలో యోగాపై రీసెర్చ్లు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. దేశ ప్రజలకు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే విషెస్ చెప్పారు మోదీ. इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है. योग की यह यात्रा अनवरत जारी है. भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है. मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है. विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है. साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है. योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है. योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है. मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर्स से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आदमी मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की. दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं. दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है. विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं. साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं. योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है. आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है. आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है. आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं. एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है. मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं. लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं. कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है. इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं. फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड. योगा हेल्प्स अस लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट बैगेज ऑफ द पास्ट. इट कनेक्ट्स अस विद अवर सेल्फ एंड our deepest feelings. It brings about
वननेस ऑफ द माइंड बॉडी एंड सॉल योगा हेल्प्स अस रियलाइज दैट अवर वेलफेयर इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस व्हेन वी आर पीसफुल विद हिम वी कैन ऑल्सो मेक ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए घुटने को सीधा रखने का प्रयास सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रखिए यह आसन साइड का कमर दर्द जैसे शिकायतों को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए पुनः मकर आसन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे सुपंचिनसा आसन बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए अगला अभ्यास अर्धहलासन दोनों पैरों को मिलाइए हाथों को शरीर के पास रखिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ